मुत्तहिदा अरब अमारात की पार्लिमानी बॉडी फेडरल नेशनल कौंसिल में 3 साल वर्क परमिट प्लान की तजवीज़ की मंजूरी दे दी गई। वफाकी कौमी कौंसिल ने वर्क परमिट की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की मंजूरी देने का यह फैसला FNC कमेटी की जानिब से वर्क परमिट के हसूल से वाबस्ता माली अखराजात को कम करने के इकदाम की सिफारिश पर किया गया है। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्क परमिट 2 साल के लिए जारी किए जाते हैं। ये दस्तावेज वजारत इंसानी वसाइल और इमारात की तरफ से जारी की जाती है और किसी शख्स के लिए जायज इजाजत नामे के बगैर मुल्क में काम करना गैर कानूनी है। FNC कमेटी बराए माली इक्तसादी और सनती अमूर की तरफ से पेश की गई एक रिपोर्ट में तजवीज किया गया था कि वर्क परमिट की मुद्दत को बढ़ाकर 3 साल किया जाए। इसमें मुलाजमत की तब्दीली के लिए वर्क परमिट फीस की माफी समेत दीगर सिफारिशात भी की गई हैं। FNC एक और सिफारिश की भी मंजूरी दे दी है जिसके तहत आजमाइशी मदद के बाद कारकुनों को कम अज़ कम 1 साल अजर के साथ गुजारना होगा। तहम अगर अजर राजी हो तो इस शर्त को ख़त्म किया जा सकता है।